Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Students, in this video we will continue our civics chapter 2, federalism. Last topic of this chapter, decentralization in India. यानी कि इंडिया में जो decentralization है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. We noted above that federal government have two or more tiers of government. स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट के टू या फिर टू से ज़्यादा टियर होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं. वी हैव सो फार डिस्कस द टू टियर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. हम पहले भी अपनी कंट्री में दो लेवल वाले गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल और स्टेट. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टियर्स. बट इंडिया जैसी वास्ट कंट्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऐसी कंट्री में सिर्फ टू टियर यानी कि टू लेवल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन करना इट्स नॉट ईजी टास्क. ओके, स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो खुद में इतने लार्ज हैं कि कई जो यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं वो उनके बराबर हैं, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं. इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया. अगर हम पॉपुलेशन के टर्म से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का, तो वो रूस से भी बड़ा है. महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी. और जो हमारे इंडिया का महाराष्ट्र स्टेट है वो जर्मनी से भी बड़ा है. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और ये स्टेट्स अपने आप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. मतलब ये नहीं है कि अगर महाराष्ट्र है तो उसमें एक ही तरह के लोग होंगे, वहाँ पर भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. और इसी वजह से इन स्टेट्स में पावर शेयरिंग की ज़रूरत है. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल पावर को इंडिया में शेयर करने के लिए एक और टियर की ज़रूरत होती है, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होता है. दिस इज़ द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन समझ सकते हैं कि पावर को और लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल और स्टेट से पावर लेकर एक थर्ड लेवल को वो पावर दे देना, जिसे हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. दस रिजल्टेड अ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. इसी का रिज़ल्ट है जो हमारे सामने आता है, जो है कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. When power is taken away from central and state government and given to the local government, it is called decentralization. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर decentralization का मीनिंग क्लियर किया गया है कि जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम decentralization कहते हैं. द बेसिक आइडिया बिहाइंड decentralization इज़ दैट there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर decentralization का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको लोकल लेवल पे ही बहुत अच्छे से सेटल किया जा सकता है, या उन प्रॉब्लम्स को उस लेवल पर ही अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है. People have better knowledge of problems in their localities.
जो लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं उनको उस एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बेटर नॉलेज होती है. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स फॉर इफ़िशेंटली. और उन लोगों को आइडिया होता है कि जो मनी है उसको कैसे स्पेंड करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है. बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. इसके अलावा एक और जो आइडिया है जिसके बिहाफ़ पर लोकल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है कि इससे जो पीपल हैं यानी कि जो पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग में. इट मींस उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली बोल पाते हैं और उनका सोल्यूशन भी उनको मिल पाता है. दिस हेल्प्स टू इनकल्केट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट मीन्स ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये हेल्प करता है हमारे जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन की जो हैबिट है उसको ये क्या करता है उसको और इम्प्रूव करता है कि लोग डायरेक्टली उस डेमोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. लोकल गवर्नमेंट इज़ बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट. और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके थ्रू हम बहुत अच्छे से जो प्रिंसिपल है एक डेमोक्रेसी का उसको रियलाइज़ कर पाते हैं थ्रू द सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो लोग सीधा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है. Students, we continue this topic in our next video. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.